बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अज़कार हुसैन दानिश। दोस्तों, अगर आप टाइपिंग करना चाहते हो और आपको टाइपिंग नहीं आती है, या फिर आपका टाइपिंग का काम बहुत ज़्यादा है, या आप कोई आर्टिकल लिखना चाहते हो उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी ज़ुबान में, और आपको टाइपिंग नहीं आती है, या फिर आपका आर्टिकल बहुत लंबा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी वेबसाइट्स बताऊँगा जिनकी मदद से आप बोलते जाओगे और ये वेबसाइट आपको आपके अल्फाज टेक्स्ट में कन्वर्ट करके देंगी। और इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक और वेबसाइट बताऊंगा जिसकी मदद से आप इन्हीं बोले हुए अल्फाज को जो आपने टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है, उसी को फिर एक प्रोफेशनल आवाज़ में कन्वर्ट करोगे, यानी टेक्स्ट टू स्पीच के बारे में भी आज आपको मैं बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से दोस्तों आपको अगर अपनी आवाज़ अच्छी नहीं लगती है और आप यूट्यूब के लिए वीडियोज़ बनाना चाहते हो वॉइस ओवर के, तो फिर आप बआसानी इन वेबसाइट्स को इस्तेमाल करते हुए एक यूट्यूब चैनल भी बना सकते हो और बहुत सारे ऑनलाइन जॉब भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट के हवाले से बहुत सारी जॉब ऑफर करते हैं जिनकी मदद से आप बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने अल्फाज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट को कैसे प्रोफेशनल आवाज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली वेबसाइट है दोस्तों, तो हमने लिखना है गूगल में जाकर doc.new। doc.new हम लिखेंगे तो ये गूगल डॉक्स हमारे सामने आ जाएगी, जिसकी मदद से हम अपने अल्फाज को टेक्स्ट में तब्दील कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जाना होगा यहाँ पे टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद हमें जाना होगा वॉइस टाइपिंग में। वॉइस टाइपिंग में हमें जाना होगा और यहाँ पे ये जो माइक का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, इस पर हम क्लिक करेंगे और माइक में हम जो भी बोलते जाएंगे वो हमें लिखा हुआ नज़र आएगा यहाँ पर, और हम बोल के भी देखेंगे अभी अपने वोकल रूम में जाकर। दूसरी वेबसाइट है दोस्तों हमारी dictation.io। इसकी मदद से भी हम अपने अल्फाज को बआसानी टेक्स्ट में तब्दील कर सकते हैं। dictation.io यहाँ जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है स्पीच टू टेक्स्ट का, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, उर्दू पाकिस्तान हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट का बटन दबाएंगे। जैसे स्टार्ट का बटन दबाएंगे और हम जो भी बोलते जाएंगे वो टेक्स्ट में चेंज होता जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं हम वोकल रूम की जानिब और आपको दिखाता हूँ कि मैं माइक पे जो भी बोलता जाऊँगा तब वो हमारे अल्फाज में चेंज होता जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो, मैं आ चुका हूँ अपने स्टूडियो के वोकल रूम में और इस वक्त मैं जो भी बोलता जा रहा हूँ वो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये वेबसाइट्स हमें लिख कर दे रही हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है मेरे साइड में, आप देख रहे हो कि जो भी मैं बोलता जा रहा हूँ वो हमें टेक्स्ट में मिलता जा रहा है, जो कि आपका बहुत सारा टाइम भी बचाएगा और अगर आपको टाइपिंग नहीं भी आती है तो भी आप ये काम कर सकते हो। दोस्तों, इस वक्त मैं आ चुका हूँ गूगल डॉक्स पे। यह वेबसाइट भी हमारी गुज़िश्ते वेबसाइट की तरह काम कर रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं जो भी बोलता जा रहा हूँ वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। दोस्तों, अब हम इस्तेमाल करेंगे एक तीसरी वेबसाइट जिसकी मदद से अब हमने जो भी लिखा है, बोल के जो लिखा है उसको फिर एक स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, यानी टेक्स्ट टू स्पीच में, वो भी एक प्रोफेशनल। ये वेबसाइट उन दोस्तों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है जिनको अपनी आवाज़ पसंद नहीं होती है लेकिन वो एक चैनल बनाना चाहते हैं यूट्यूब पर। तो देखते हैं ये वेबसाइट कैसे काम करती है। जैसे कि दोस्तों, हमने गूगल डॉक्स में जाकर ये लिखा था और एक दूसरी वेबसाइट थी उसमें भी हमने बोल कर कुछ लिखा था, उनको अब हम क्या करेंगे दोस्तों, कॉपी करेंगे और ले आएंगे यहाँ पर डेस्कटॉप में आकर लिखेंगे, टेक्स्ट स्पीच उर्दू लिखेंगे दोस्तों, तो एक वेबसाइट आएगी जिस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। आपने अगर नहीं देखी है तो आई बटन में जाकर भी देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक होगा। हमने बोल कर दोस्तों अपने अल्फाज को टेक्स्ट में तब्दील किया था, अब इसी टेक्स्ट को दोबारा एक आवाज़ में तब्दील करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, उज़्मा और असद यहाँ पर ऑप्शन हमें मिलते हैं, आप जो भी चाहो इनमें से, यहाँ जनरेट पर क्लिक करके इनमें से किसी भी मेल या फीमेल आवाज़ में चेंज कर सकते हो। अब मैं जो भी बोलता जा रहा हूँ वो हमारे टेक्स्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना
اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کرنا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، اللہ نگہبان۔